और अभी हम इसे टेस्ट करेंगे और देखेंगे कैसा बना है ये। तो चलिए शुरू करते हैं आपके साथ। हेलो एवरीवन, मैं सुमित। आज बैठे बैठे थोड़ा बोर हो रहा था, संडे का दिन है, थोड़ी भूख लगी है, तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ आज कुकिंग किया जाए अपने लिए और सबके लिए, घर पे कुछ नाश्ता बना दूँ। क्या बनाऊँ समझ तो नहीं आ रहा है, पर चलिए चल के किचन में ट्राई करते, देखते हैं क्या है, क्या अवेलेबल है नहीं है, उसी के हिसाब से मैं स्टार्ट करूँगा। आज फर्स्ट वीडियो होगा मेरा ये कुकिंग का, जो इस चैनल पर मैं डालूँगा, तो देखिए आगे, क्योंकि मेहनत मैं करूँगा, प्यार आप सभी का रहेगा, तभी मैं आगे बढ़ पाऊँगा। तो चलिए मैं आ गया हूँ अपने किचन में, और अभी हम बनाएंगे सूजी का कुछ आइटम, जो इसमें सूजी, आलू और ये सब रहेगा, मसाले वगैरह रहेंगे, उसे सूजी बॉल्स बोल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे बनता है, आप भी एंजॉय कीजिए मेरा वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ कर लिया सब तैयारियाँ, यहाँ मैंने ले लिया सामान, ये है सूजी, ये है मैदा, ये है बटर, ये है मैश पोटैटो है, एक्चुअली श्रेडेड है, मैश बाद में करेंगे। ये मैंने ले लिया यहाँ पे काली मिर्च और नमक, यहाँ पे है आपका धनिया पत्ता, कोरिएंडर लीव्स जिसे कहते हैं, यहाँ लहसुन, फिर यहाँ आगे चलते हैं, ये हो गया कटा हुआ प्याज, ये हो गया चिली फ्लेक्स, यहाँ मैंने ले लिया आपका सीजनिंग है ये कुछ, ये है हरी मिर्च, और ये लास्टली सोया सॉस। तो आज हम बनाएंगे सूजी पोटैटो बॉल्स। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ बनाना सूजी पोटैटो बॉल्स, जिसको हम फ्राई करके बनाएंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस। पहले हम करेंगे गैस को ऑन, फिर हम चलाएंगे इसमें ये वोक, हल्का गर्म होने देंगे। अब इसमें हम डालेंगे ये सूजी, जो कि थोड़ा सा, अगर आपके पास बड़ा सूजी है तो उसके आप मिक्सर में डाल के थोड़ा सा फाइन कर सकते हैं, अगर फाइन है तो डायरेक्टली भी डाल सकते हैं। तो इसको डाल के हमें हल्का सा भुनना है, भुनेंगे इसलिए क्योंकि हल्का सा गोल्डन हो जाता है। इसको हम चलाते रहेंगे थोड़ा बीच बीच में, ताकि नीचे से रेड ना हो जाए। देखिए मैं तो डेली कुक हूँ नहीं, बस फिर भी थोड़ा सा नॉलेज रखता हूँ कुकिंग का, बस आप वीडियो एंजॉय कीजिए। तो इसमें हम पानी ऐड करेंगे धीरे धीरे करके, और इसे चलाते रहेंगे ताकि इसमें लम्स ना बने, और पानी डाल देंगे यहाँ पे, इसे हम अच्छे से चलाना है, कंसिस्टेंसी भी देखना है, क्योंकि ज़्यादा पानी डाल देने से एकदम पतला हो जाएगा। ये लगभग हो चुका है, जब ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे साइड में। चलिए तब तक दूसरी तैयारी कर लेते हैं। चलिए जब तक सूजी ठंडा हो रहा है, तब हम ये पैन चढ़ा लेते हैं, और इस पे हम इसमें थोड़ा सा हम डालेंगे बटर, और इसके साथ आप चाहे तो इसके बजाय ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। अब ये हो गया बटर गरम, अब इसमें हम अपने गार्लिक जो काटे हैं हमने छोटे छोटे, वो डाल देंगे। लो फ्लेम रहेगा ताकि गार्लिक्स रेड टू ब्लैक ना हो जाए, क्योंकि लहसुन कच्चा भी अच्छा नहीं लगता है, और ज़्यादा पक जाने पर, जल जाने पर भी बहुत ख़राब टेस्ट आता है। हम इसमें डालेंगे अनियंस, अगर आपको लगता है कि फ्लेम लो के बाद भी तेज़ है तो आप इसको हल्का सा ऊपर कर लें, ताकि आप अपने हिसाब से इसे मेंटेन कर पाएँ, क्योंकि तो हमें इसे जलाना नहीं है बिल्कुल भी। देखिए ये हो चुका है, इसमें हम थोड़ा सा ऐड कर देंगे चिली फ्लेक्स, इसमें हम थोड़ा ऐड करेंगे हल्का सा सीजनिंग, लास्ट में भी हम ऊपर से डालेंगे गार्निशिंग के वक्त। अब इसमें डालेंगे हल्का सा ग्रीन चिली जो हमारे पास है, हम इसमें इसे भी ऐड करेंगे इसमें, और बस इसे चला देंगे हल्का हल्का करके। ग्रीन चिली मैं एक काम करता हूँ, सभी इसी में डाल देता हूँ, तो हल्का सा वो सॉफ्ट भी हो जाएगा, खाते वक्त कच्चा नहीं लगेगा मुंह पे, ये ऑलरेडी डन है, सीजनिंग डालने की वजह से इसमें अलग ही खुशबू आ रही है, बहुत ही अच्छा। अब इसे गैस ऑफ करके मैं छोड़ देता हूँ साइड में थोड़ी देर के लिए, तब तक मैं ले आता हूँ जो सूजी मैंने ठंडा होने को रखा है, वो शायद ठंडा हो चुका होगा। देखिए मैंने सूजी ठंडा होने रखा था, ये हो गया इस तरह से। मैं ऐड करेंगे ये श्रेडेड पोटैटोज हैं, अब मैं ऐड करूंगा इसमें ये जो मैंने फ्राई किया था, अनियन, गार्लिक, चिली फ्लेक्स, ग्रीन चिली,
मैं इसमें डालकर, इसमें डालना है हमें वो है ये सोया सॉस मैंने लिया, डार्क या लाइट आपके ऊपर है, जो अवेलेबल है आप उसे डाल दीजिए। इसमें अब हमें डालना है ब्लैक पेपर, सॉल्ट। तो अभी हमें करना क्या है, इसे मैश करना है बढ़िया से। ये आपके हाथ में थोड़ा थोड़ा चिपकेगा, तो इसके लिए आप ऑयल भी यूज कर सकते हैं हल्का सा। इसे मैं अच्छे से ये कर देता हूँ, हो चुका है लगभग। अब इसमें हमें डालना है मैदा, या भूलिएगा मत, मैदा मैं इसलिए डाल रहा हूँ ताकि ये बाइंडिंग अच्छा कर देगा, और जब मैं इसे फ्राई करूंगा तो ये छूटेगा नहीं, अच्छे से काम हो जाएगा। धनिया पत्ता छूट गया था, अच्छा याद आ गया। इसमें धनिया पत्ता ऐड कर देंगे और थोड़ा सा रख देंगे गार्निश के लिए। तो अब हम इसे करेंगे छोटे छोटे बॉल्स के शेप में बना लेंगे। आप हाथ में थोड़ा सा ऑयल जो है मैंने यहाँ रखा हुआ है, ये ऑयल थोड़ा सा आप हाथ में इसे लगा लीजिएगा ना, तो ये चिपकेगा नहीं। तो इस तरह से गोल गोल आपको करना है, इस तरह से जब गोल आप कर लीजिएगा बस इससे हो गया रेडी। फटाफट करके आप इसे बॉल्स बना लीजिए। आप चाहे तो देखिए आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप चाहे तो इसे नगेट शेप भी दे सकते हैं, मतलब लंबा करके इस तरह रस्सी की तरह बना लीजिए और उसे फिर आप कटिंग कर लीजिए, शेप दे दीजिए अलग अलग, ये आप पे टोटली डिपेंडेंट है। देखिए मैंने यहाँ पे अलग अलग शेप्स के बॉल्स, बड़े बॉल्स, थोड़ा छोटा है, और ये नगेट शेप बना लिया है। और अब हम इसे करेंगे फ्राई। इसके लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई ले लिया है, कढ़ाई में मैंने तेल डाल लिया है, रिफाइंड ऑयल है। और अभी मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, तेल भी हल्का गर्म हो चुका है। तो हम इसमें डालेंगे, फ्लेम को आप ध्यान रखिए मीडियम टू हाई रखिए, बहुत स्लो मत करिएगा, ज़्यादा ठंडा हो जाए तेल, और बहुत हाई भी मत कर दीजिएगा इससे जल जाए। खुशबू अच्छी आ रही है, उम्मीद है अच्छा बना होगा। अगर ये हल्का फुल्का चिपक रहा हो तो फिक्र मत करिएगा, एक बार ये हल्का सा मैदा डाला है ना हमने, तो ये क्रिस्पी हो जाएगा एक बार जब, तो ये अपने आप छोड़ देगा एक दूसरे को, ज्यादा देर तक पकड़ेगा नहीं। तो मैं भी इसे गोल्डन करके फिर आता हूँ आपके पास। देखिए अभी परफेक्ट कलर हो चुका है। फिर अगले बैच में फिर एक एक करके 5-6 डाल दीजिए। स्टार्टिंग में से कुछ मत कीजिए, बस रोटी छोड़ दीजिए, फ्लेम मीडियम टू हाई के बीच में रहेगा। बस सिर्फ हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन ही करना है हमें, क्योंकि ऑलरेडी इसमें सब पका हुआ था, सूजी हमने भुना था, पोटैटो ऑलरेडी मेस्ड है। तो हमारा ये बैच भी रेडी हो गया, अब हम प्लेटिंग करेंगे और दिखाएंगे आपको ये कैसा बन रहा है, कैसा लग रहा है खाने में। सो हियर वी हैव डन आवर प्लेटिंग। देखिए ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, इसका प्लेटिंग जैसे हो सकता था मैंने किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।